वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात योगेश भदौड़ा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में की गई मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या 2 एन पांडे ने आरोपित योगेश भदौड़ा, अंकित पुत्र रविंद्र और गौरव उपहुरा पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम मसूरी को दोषी पाते हुए 5 साल के कारावास के साथ ही 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। योगेश भदौड़ा व अन्य के खिलाफ यह मुकदमा 21 मार्च 2013 को प्रतापपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश वर्मा ने दर्ज कराया था। बम्बा बाईपास पर चेकिंग के दौरान योगेश भदौड़ा व अन्य ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस बारे में मेरठ पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी दी। सर, वेस्ट यूपी का कुख्यात जो है योगेश भदौड़ा, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर योगेश भदौड़ा यहाँ का एक बड़ा आपराधिक व्यक्ति है, माफिया भी है और वो शासन द्वारा चिन्हित माफिया भी है। उसके खिलाफ हम लोग काफ़ी दिन से उसकी पैरवी में लगे थे, जो उसके खिलाफ मुकदमे हैं और लगभग मुझे लगता है 45 से भी ज़्यादा मुकदमे, जिसमें गंभीर धाराओं के हैं, जिसमें 302 के ही 8-10 मुकदमे उसके ऊपर हैं। उसको टारगेट किया गया था, हम लोगों ने टारगेट किया था विशेष तौर से सज़ा दिलाने वाला जो काम होता है, और पिछले 9 महीनों में लगातार पैरवी की गई, जिसमें स्वयं जो योगेश भदौड़ा चिन्हित माफिया है और उसके 3 और मेंबर, उन सभी को 5-5 साल की आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, साथ में जुर्माना भी लगाया गया है और अभी सिद्धार्थनगर जेल में है। इससे एक ये चीज़ है कि एक मैसेज जरूर जाएगा कि अगर कोई माफियागिरी करता है या आपराधिक कृत्य में सम्मिलित रहता है तो किसी न किसी दिन उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।